दीगर खबरें शामिल करते हैं। यूएस एड के सिंध बुनियादी तालीम प्रोग्राम के एयानत से सवा गवर्नमेंट हाई स्कूल आदम खान पंवर जैकबाबाद मुकम्मल कर लिया गया। पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने इफ्तिताह किया। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का कहना था यूएस एड प्रोग्राम का मकसद आवाम को मेयारी तालीम फराहम करना है। सिंध में फरोगे तालीम के लिए अमरीका का तोहफा। यूएस एड एजुकेशन प्रोग्राम के तहत सिंध में 100वें जदीद स्कूल का कयाम, अहम संगे मील उबूर। पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने जैकबाबाद में गवर्नमेंट हाई स्कूल आदम खान का इफ्तिताह कर दिया। यूएस एड के तहत स्कूल को जदीद खतूत पर तामीर किया गया है, जिसमें हुसूल तालीम के लिए जदीद कंप्यूटर फराहम किए गए हैं। स्कूल को जदीद लेबोरेटरी भी फराहम की गई है। स्कूल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का कहना था कि यूएस एड के सिंध बुनियादी तालीम प्रोग्राम की मदद से तामीर होने वाला ये 100वां स्कूल है। इस प्रोग्राम का मकसद आवाम को मयारी तालीम फराहम करना है। अमरीकी सफीर ने बताया 2024 तक 106 स्कूल्स में 80,000 बच्चों को मयारी तालीम फराहम की जाएगी। डोनाल्ड ब्लूम का कहना था ये स्कूल ऐसी सहूलत है जो आइंदा सैलाब की मुश्किलात में पनाहगाह का काम भी देगा। अमरीकी सफीर तुलबा के साथ क्लासरूम में बैठे और मयारी तालीम का जायजा भी लिया। अमरीकी सफीर ने वजीर तालीम सिंध और स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट की मुखलसाना कोशिशों पर उनका शुक्रिया अदा किया। हम वापस आएंगे एक ब्रेक।